चलो देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप आंसर करिएगा इसके, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? एंड देन आप ट्राई करके मुझे बताना है। तो प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज दैट अ कार एट रेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज द कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, ए डबल सी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। मैं पूरा पूरा क्वेश्चन लिखूंगा आपको, ठीक है? टू अ स्पीड ऑफ, टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, राइट? हाउ मच डिस्टेंस इट इज, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, ये आपका क्वेश्चन है। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, ट्राई करो इसको। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, ठीक है? देखो ट्राई करो इसको, कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखो, ट्राई करो। इसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को? नहीं जी, SSK मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। पौरव सिंह आंसर सही है, सारांश उमराव। कुछ मेरे को लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तुमसे। सारांश उमराव, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए हूँ। SSK अब ठीक है, आयुषी गुप्ता का आंसर सही है, अनिका यादव आंसर करेक्ट। वेदिका करेक्ट, वंश अग्रवाल करेक्ट, अन्या त्रिपाठी करेक्ट, वसुंधरा यादव करेक्ट, अनंतमणि दुबे करेक्ट, अभ्युदय करेक्ट, सारांश उमराव करेक्ट, अंकित मेहरोत्रा करेक्ट। ओके, मेरे ख्याल से आप सभी ने कर लिया इसको, फिर इसको बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे, सभी का आंसर आ गया है। ओके सही है, 400 मीटर ही आंसर है इसका, 400 मीटर, अंकित मेहरोत्रा, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको डिस्कस करने की नीड है कोई, कार्तिक 400 मीटर सही है, ठीक है? चलो बहुत अच्छा, तो हम लोग मूव करते हैं यार, ठीक है? बहुत बढ़िया, इसका आंसर है 400 मीटर, आप सभी के आंसर सही है इसमें, बहुत अच्छा। चलिए अब सेकंड टॉपर, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ग्रेजुअली प्रैक्टिस करेंगे इसकी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, पार्टिकल प्रोजेक्टेड अप, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रिवीजन के हिसाब से, टाइम आपको बताना है इसमें, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा इसके अंदर, सेकेंड पार्ट टाइम ऑफ इट्स डाउनवर्ड जर्नी, टाइम ऑफ डिसेंट कह सकते हैं उसको, थर्ड पार्ट टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट के बाद मैक्सिमम हाइट। ये पहले हम एलिमेंट्री फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, रिविजन करने के लिए इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्टेड अप है विद 30 मीटर पर सेकंड, और इसमें आपको क्या करना है, जी की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल के लिए, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है, वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जहां तक मुझे याद है यार, हम लोगों ने इसका एक डिस्कशन किया हुआ है, देखो हमने दो रिजल्ट्स आपसे कहे थे कि आप हमेशा याद रखिएगा, टू रिजल्ट्स जिसके बारे में मैंने कहा था कि हमेशा अपने माइंड में रखो आप। तो 30 मीटर पर सेकंड से अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं, तो यहाँ पर एक रिजल्ट था, अभी देखे किस, आप लोग के अगर आंसर्स आए हो तो ट्राई करो, आपके आंसर्स अगर आए हो
आंसर देना चाहें आप लोग तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आपके आंसर्स आ जाएं, ट्राई करो। ये हमने कहा था यार आप हमने इसको एक रिजल्ट के फॉर्म में कहा था, और श्रेष्ठ विश्वकर्मा, सारांश उमराव और सारांश उमराव। हाँ अभी तक आपके आंसर जितने आए हैं वो सही आंसर हैं, ठीक है। अनंत मणि जी, वेदिका का आंसर भी ठीक है, सारांश उमराव आंसर सही है तुम्हारा, अनंत मणि दुबे का आंसर सही है, एसएसके का आंसर सही है, कार्तिक गौर ठीक है, आंसर सही आंसर है, अंकित मेहरोत्रा के सारे आंसर सही है, श्रेष्ठ विश्वकर्मा के आंसर सही है, अन्य त्रिपाठी आंसर सही है, वंश अग्रवाल के आंसर सही है, एसएसके कार्तिक गौर के सारे आंसर सही आ गए, आईसी गुप्ता के सही आंसर्स हैं, गौरव सिंह के सही आंसर्स हैं, अनिका यादव के सही आंसर हैं, अविरल पाल के भी आंसर सही हैं, शाबाश। वसुंधरा यादव सही आंसर है, सारे आंसर सही है तुम्हारे। अब कहाँ तुम लोग को प्रॉब्लम है, तुम लोग कह रहे हो प्रॉब्लम है, तुम लोग आंसर भी दे रहे हो, ठीक है। विभु कटियार आंसर सही है आपका, हाँ ठीक है। ठीक है देखो क्या था इसमें यार, और किसका आंसर आया, अरे एसएसके कॉन्फिडेंस को मतलब क्या कहें, कॉन्फिडेंस तुम लोग बढ़ाओ, तुम लोग ट्रस्ट मानो, बहुत से बच्चों से बहुत आगे हो, बहुत आगे हो, अभ्युदय का आंसर सही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आई मीन कोई ऐसा देखो, श्रेष्ठ विश्वकर्मा, मैं वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट जस्ट फॉर द अप्रोक्सीमेशन पर्पज के लिए, एक्चुअल में कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना है और वो भी क्लास 9th के लेवल पे करना है, तो हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं सिंपल बनाने के लिए कि हम ग्रेविटी का वेरिएशन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल ग्रेविटी को लेकर के न्यूमेरिकल करने के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए वो मैथमेटिक्स हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी हुई है, उसकी हमें नॉलेज नहीं है, इस वजह से हम लोग अपने लिमिटेशंस के अंडर में जी को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं कि जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और क्योंकि हम जिन बॉडीज की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते, हम जिन बॉडीज की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई मिसाइल की स्टडी तो करने नहीं जा रहे, ना हम कोई रॉकेट की स्टडी करेंगे, हम लोग नॉर्मल एक बॉल को फेंक दिया, एक कॉइन को फेंका, तो ये बॉडीज बहुत ज़्यादा हाइट कवर नहीं करते, थोड़ी बहुत हाइट तक ग्रेविटी की वेरिएशन को नेग्लेक्ट किया जा सकता है साइंस में न्यूमेरिकल करने के लिए, मतलब उससे ज़्यादा फर्क नहीं आता, हमारे आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, इस वजह से हम लोग जी को एल्टीट्यूड के साथ कॉन्स्टेंट एज्यूम करके और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, आपके सबके आंसर सही हैं इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने यही रिजल्ट लगाया होगा, जब मेरे को रिजल्ट दिखूं अगर, कि ये जो था टाइम ऑफ एसेंट वाला फॉर्मूला था, इसका एक रिजल्ट था, इसकी वैल्यू थी यू डिवाइडेड बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट में भी ये वैल्यू यू बाई जी थी, और मैक्सिमम हाइट के लिए जो वैल्यू डिफाइन की गई थी वो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी, ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारे पास, अगर आप रिकॉल करो ये रिजल्ट था। अनंत मणि दुबे, व्हेन जी इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन देन वी विल टेक जी एज 9.8, यस ऑब्वियसली वी विल टेक जी एज 9.8, टेकिंग जी एज 9.8 और 10 दैट इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज इफ यू टेक जी इक्वल टू 9.8 और यू टेक जी इक्वल टू 10 देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन योर आंसर, सो दैट इज नॉट मेन कंसर्न और दैट इज नॉट द इश्यू कि जी कितना लेना है आपको, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो न्यूमेरिकल्स में स्पेसिफाइड होता है, दैट मीन दैट वो इंफॉर्मेशन पार्ट है ना, उसमें आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, वो दिया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, आपको टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। थर्ड पॉइंट, नाउ
पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ये क्वेश्चन है, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, उसकी कोई हाइट मान लो आप, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ सपोज दैट 40 meters, ठीक है, और से 80 meters, इट इज फ्रॉम 80 meters, हाउ मच टाइम द बॉडी विल टेक, हाउ मच टाइम द बॉडी विल टेक टू रीच द ग्राउंड, इसका भी आंसर आई होप कि आप सभी का आंसर आएगा, और इसके अंदर भी आपको जी की वैल्यू को 10 एज्यूम कर लेना है कि जी की वैल्यू 10 होगी, तो देखो कितना आंसर आएगा, नाम सभी का आंसर आ जाएगा मुझे पता है, एसएसके, शाबाश, बहुत बढ़िया है एसएसके, श्रेष्ठ विश्वकर्मा, अन्य त्रिपाठी, फटाफट सही है, तीनों के आंसर सही है, और पूरी क्लास का आंसर चाहिए मेरे को, पूरी क्लास की कन्फर्मेशन चाहिए, वंश अग्रवाल आंसर सही है, पौरव सिंह आंसर सही है, अनिका यादव आंसर करेक्ट है, आनंद मणि, अनिकित मेहरोत्रा, वेदिका, विभु कटियार, वसुंधरा यादव, और कौन है, अभिदा अग्निहोत्री, ठीक है, आंसर तुम लोग के बिल्कुल सही है, आयुषी गुप्ता का आंसर सही है, अवरल पाल का भी सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, कार्तिक गौर, चलो मुझे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तुम लोग के ऊपर, तुम लोग को कॉन्फिडेंस आया ना है, मुझे तुम लोग के ऊपर अब ये कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग कंसेप्ट सीख गए हो, आई मीन मुझे कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट सीखा, अदरवाइज सबके आंसर सही नहीं आ रहे होते, ठीक है, तो इसमें तुम लोगों ने क्या रिजल्ट लगाया है, इसमें आंसर 4 सेकंड आ रहा है, बट रिजल्ट कैसे निकाला होगा कि टाइम की वैल्यू रूट ऑफ 2 हाइट अपॉन जी, ये रिजल्ट लगाया होगा, और इससे तुम्हारा आंसर आएगा 4 सेकंड्स का, 4 सेकंड्स का, यही किया होगा आपने, यही फॉर्मूला लगाया होगा, ये दो फंडामेंटल्स हैं, यही दो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, अब आप जरा नेक्स्ट पेज पर आओ, है ना, नेक्स्ट पेज पर, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, एंड मैं उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखूंगा, फोर्थ क्वेश्चन को वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो देखिएगा जरा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम अ हाइट ऑफ से 40 meters विथ ए स्पीड 20 meters per second, 20 meters per second, how much time the body will take or the particle will take to reach the ground, ये क्वेश्चन है, और इसमें एक और क्वेश्चन है, कंपेयर द टाइम ऑफ एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट, ऑल्सो फाइंड द स्पीड विथ विच पार्टिकल रीचेस टू द ग्राउंड, पार्टिकल रीचेस टू ग्राउंड, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है अब आपको, देखो कैसे होगा ये, ऑल्सो फाइंड द स्पीड विथ विच पार्टिकल रीचेस टू द ग्राउंड, इसमें और क्वेश्चन ऐड कर दो, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द पार्टिकल, और टेक g इक्वल टू 10 meters per second स्क्वायर, इस क्वेश्चन में भी आपको लेना है 10 meters per second square, ट्राई करते हैं इसको क्या आएगा आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या आंसर आना चाहिए इसमें, तो अभी इस आपको मुझे पता है आप लोगों को इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी, इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती है तुम लोग को, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग स्लाइटली कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या है, मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि आप इसमें कंफ्यूजन मत आओ, आप इस टाइप के क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं देखो, तो
जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से दो पार्ट में आपका किसी का आंसर आ गया। वसुंधरा रुको बच्चे, है ना, अब रुक जाओ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने दो पहले क्या करना चाहिए तुमको। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर चलोगे तो इसमें इस तरीके से सिचुएशन है, इसको कुछ ग्राउंड मान लेते हैं। पार्टिकल को आपने जो फेंका है क्वेश्चन में, इट इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, विच मीन्स द पार्टिकल इज ऑलरेडी एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर, इट इज ऑलरेडी एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर, पहले से ही 40 मीटर की हाइट पर है, और वहां से इसको अपवर्ड ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया। वहां से प्रोजेक्टेड किधर की तरफ, प्रोजेक्ट करने का था फेंकना, और किधर की तरफ, अप, प्रोजेक्टेड अप, तो ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, राइट, कहां से, फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स आएंगे, पहले ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, तो पहले इसका एसेंट वाला पोर्शन आएगा, उसके बाद जब इसका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट जहां पर ये मैक्सिमम हाइट मतलब उसके ऊपर और नहीं जा सकता, देन फ्रॉम देयर, फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट देयर विल बी अ डाउनवर्ड पार्ट ऑफ दिस बॉडी। और यही मैंने पीछे आपको समझाया था कि एक एसेंट वाला पार्ट होगा, एक डिसेंट वाला पार्ट होगा इसका। तो इन दोनों को सेपरेटली आप पिछले वाले एग्जाम्पल से करो ना, पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या किया तुम लोगों ने? कार्तिक सही नहीं आंसर है ना, वंस वंस रुकिएगा आप, वंस अभी आंसर में रुक जाओ, अभी आंसर ना दें आप लोग, आंसर कोई ना दें, आप अपना आंसर अपने पास रखो, मैं अभी चेक करूंगा, है ना। आप एक काम करो, पिछले वाले क्वेश्चन को देखो ना, पिछले वाले क्वेश्चन में जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन वो क्या कहता है कि जब भी किसी बॉडी को आप प्रोजेक्टेड अप करोगे, वेन एवर अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, द टाइम ऑफ एसेंट विल बी यू बाय जी, फॉर एनी बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अप द एसेंट टाइम विल बी ऑलवेज यू बाय जी। तो हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इस कंसेप्ट के हिसाब से जो एसेंट टाइम होगा इसका, एसेंट टाइम, ये वैल्यू यू बाई जी होगी, तो यू हमारे लिए 20 है, और बाय जी करोगे यानी कि 2 सेकंड का होगा, 2 सेकंड का टाइम इसके जाने का है। उसके अलावा व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड अप, तो प्रोजेक्टेड अप के अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, प्रोजेक्टेड अप सो द मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये कंसेप्ट लगाओ, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, इतनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी इफ इट इज प्रोजेक्टेड अप। तो यहां पर लगाओ, यहां भी तो भैया इट इज प्रोजेक्टेड अप, तो जो प्रोजेक्टेड अप है उसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब कौन से हाइट की बात कर रहा हूं मैं, कौन से हाइट की बात कर रहा हूं, जहां से तुमने इसको प्रोजेक्ट किया है उसके ऊपर और कितना जाएगा ये, और कितना ऊपर तक जा सकता है ये, जहां से प्रोजेक्ट किया है उसके ऊपर और कितना जा सकता है। तो इसका आंसर है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब यू कितना है, 20, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 400 और बाय 2 × g 20 यानी कि 20 मीटर। तो जहां से तुमने इसको प्रोजेक्ट किया है, जहां से इसको फेंका है, उससे ये 20 मीटर ऊपर और जाएगा, यानी कि नाउ टोटल हाइट ग्राउंड लेवल से कितना हो गया इसका, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से पूछा जाए कि ग्राउंड से ये कितना ऊपर चला गया, तो 40 मीटर की हाइट पर पहले से ही थे आप, और वहां से 20 मीटर और ऊपर चले गए, यानी कि टोटल हो गया 60 मीटर, टोटल इज 60 मीटर। अब जो डिसेंट होगा उसके अंदर, डिसेंट वाले पोर्शन में 60 मीटर को ड्रॉप करेगा, 60 मीटर ड्रॉप करना है आपको, 60 मीटर ड्रॉप। तो पिछला एग्जांपल यहां पर भी लगाओ कि जब किसी बॉडी को ड्रॉप करना होगा, ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, तो टाइम का रिजल्ट होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, ये टाइम है जब कोई बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा। तो यही काम यहां पर भी हो रहा है, यहां पर 60 मीटर से ड्रॉप हो रहा है ये, तो अगर 60 मीटर से ड्रॉप हो जाएगा तो डिसेंट होने का जो टाइम होगा, डिसेंट टाइम वो होगा स्क्वायर रूट 2, जितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं वो 60 है, और बाय जी 10, ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 यानी कि 2√3, ये इसका आंसर आएगा, 2√3 सेकेंड्स।
तो टोटल टाइम कितना हुआ, अगर इसमें से तुम्हें टोटल टाइम निकालना हो कि टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल टाइम दोनों को ऐड करोगे, जितना टाइम बॉडी ऊपर जाने में लेगी वो टाइम, प्लस जितना टाइम बॉडी को नीचे आने में लगेगा, एसेंट टाइम प्लस डिसेंट टाइम दोनों को मिलाना होगा तुम्हें। तो 2 सेकंड जाने का लग रहा था और 2√3 सेकंड आने का लग रहा था, तो ये टोटल टाइम 2+2√3 सेकंड होगा, ये टोटल टाइम है। और उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद सारे आंसर्स आ गए, अगर हम ध्यान से देखें तो उसके बाद मेरे सारे आंसर्स आ गए। कैसे, टाइम ऑफ एसेंट निकाल चुके, ये 2 सेकंड निकाला अभी हम लोगों ने, टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड कर लिया 2√3 सेकंड, और टोटल टाइम कितना निकाला इनको ऐड करके निकाल दिया, ये आंसर भी आ गया। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस तो 20 मीटर ऊपर गए हैं और 60 मीटर आप नीचे आ रहे हो, तो 20 मीटर जाने का और 60 मीटर आने का, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करोगे इस क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस तो वो कितना होगा, 20 मीटर ऊपर जाने का प्लस 60 मीटर नीचे आने का, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 20+60 = 80 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने इस क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखा जाता है जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहां पर आप एंड कर रहे हो उनके बीच में क्या डिस्टेंस है। तो स्टार्ट किया था ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पे, हाँ वेदिका सही, स्टार्ट किया था आपने ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पे, और एंड कहां पे कर रहे हो, ग्राउंड के ऊपर। स्टार्टिंग में हम ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर थे, बट फाइनली वी आर ऑन द ग्राउंड, सो फाइनली यू आर ऑन द ग्राउंड, वेयर एज इन द बिगिनिंग द पार्टिकल वॉज 40 मीटर अबव। तो बिगिनिंग वाले पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर का है, सो डिस्प्लेसमेंट दिखा जाएगा यहाँ पर 40 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि पार्टिकल की लास्ट में स्पीड क्या आएगी, पार्टिकल की फाइनल स्पीड क्या होगी, What will be the final speed of particle? ये question है। इसका answer आप लोग दें, देखिए कितने लोग का answer आ रहा है इसमें। नहीं, मैंने यहाँ तक तो answer बता दिया आपको, बाकी उसके आगे देखो, वंश अग्रवाल का answer आ गया है, ठीक है। वंश कौन सा formula लगाए हो, कौन सी equation से answer ला रहे हो, वंश अग्रवाल जो तुम्हारा answer आ रहा है वो कहाँ कैसे आ रहा है, मतलब equation कौन सी लगाई है तुमने, मैं तुम्हारा आंसर बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि बाकी लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट फाइनल स्पीड कैसे लाएंगे। सरान सुमराव आंसर सही है बच्चा, नहीं नहीं आंसर में तुम लोग इक्वेशन क्या लगा रहे हो ये तो बताओ, आखिर मुझे पता तो चले कि कौन सी इक्वेशन लगा रहे हो। अच्छा ठीक है, सारांश सुनाई समझ में आ गई। SSK का भी आंसर आ गया है, वसुंधरा यादव का भी आंसर आ गया है। बच्चे तुम लोग इक्वेशन नहीं बता रहे हो कौन सी लगा रहे हो, कहाँ से आंसर ला रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, वंश का आंसर आ गया, SSK का भी आंसर आ गया, और सारांश उमराव का भी, वंश अग्रवाल का भी आंसर आ गया, वसुंधरा का आंसर सही है, श्रेष्ठ विश्वकर्मा का आंसर है, कार्तिक गौर आंसर तो सही है तुम्हारा, अंकित का भी आंसर सही है, आंसर तुम्हें सबके सही है, आयुषी गुप्ता का भी सही है, बहुत बढ़िया आंसर सभी के सही है, अनिका यादव का भी आंसर सही है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों को ना अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं अभी तुम लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग जरा थोड़ा वर्बली बताओ, ठीक है सर, v square equals to 2gh से, ओके 20√3, नहीं नहीं सर 2gh का होल रूट, अच्छा √2gh, यस सर, हां बढ़िया सर, u + 80 लगाया है। अच्छा तुम मतलब यही मैं सुनना चाह रहा हूं किसने कौन सा फार्मूला लगाया है, वेदिका ने, मैंने u + 80 लगाया है, u + 80 लगाया है, गुड। और हम लोगों ने स्क्वायर रूट 2gh भी लगाया है, कुछ लोगों ने अंकित ने लगाया है,
अनंत मनीन ने तो करीब बताया नहीं कौन सा लगाया है अंकित। हाँ मैं जानना ये चाह रहा था कि जब आप फाइनल स्पीड निकालते हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh है ना, आप इससे भी निकाल सकते हो। वी फाइनल निकालने के लिए यू कैन राइट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यहाँ पर h कौन सा लोगे, कौन सा h रखोगे, ये कौन सा हाइट होता है, सो दिस इज द हाइट बाय विच 60 मीटर। क्यों 60 मीटर क्यों बच्चा? सर क्योंकि ऊपर जाने के बाद आप पीछे आ रहे हैं। हां क्योंकि ये ड्रॉप तो 60 मीटर करेगा ना टोटल, तो इट विल बी ड्रॉप्ड बाय 60 मीटर, तो h इक्वल टू 60। हां शाबाश, मुझे यही सुनना था। और g की वैल्यू 10 और ये 2, तो इसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, शाबाश। ठीक है चलो अब म्यूट कर देते हैं आपको। ठीक है बढ़िया आंसर है। चलो यही तो काम करना है यार इसमें, है ना। अब आंसर करेक्ट है बच्चा तुम्हारे, मैं फिर कह रहा हूँ आंसर तुम लोग के बिल्कुल सही आ रहे हैं। अननेसेसरली आप डाउट कर रहे हो अपने ऊपर, आप लोग अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, है ना। यू ऑल आर करेक्ट, बट डाउट होना नहीं चाहिए तुम लोग को, है ना। वेदिका मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो नॉट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बट सिमिलर टू दैट। ठीक है सो अब क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट वॉट हाइट द पार्टिकल्स स्पीड विल बी 15 मीटर पर सेकेंड और लेट से 10 मीटर पर सेकेंड वाइल द पार्टिकल इज रिटर्निंग टू द ग्राउंड। ऑल्सो फाइंड द टाइम फॉर दिस हाइट, ऑल्सो फाइंड द टाइम फॉर दिस हाइट एंड यू कैन टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट व्हाट हाइट द पार्टिकल्स स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकंड व्हाइल द पार्टिकल इज रिटर्निंग टू द ग्राउंड एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम फॉर दिस हाइट। ठीक है इसका आंसर अब क्या होगा देखो। ठीक है जी, देखिए तो इसमें क्या करेंगे ना आप, इसको सबसे पहले ऐसे मान लो कि हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड। और ग्राउंड से हमने उस पार्टिकल को जब थ्रो किया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड एज पर दिस क्वेश्चन एंड इट्स जर्नी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द जर्नी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन पार्ट इन विच द बॉडी विल मूव अप, then it will attain the maximum height and from there the body will return back. So there are two portions, one is going upward and second is moving downward. There are two parts of the complete journey. The complete journey has two parts, one is the upward part in which the body goes upward and the second is the part in which the body comes downward. So there are two parts. अंकित ओके शाबाश श्रेष्ठ सारांश। राइट सो देखो क्या होगा, आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा है ना, बाकी लोग सारा सुनना, बाकी लोग सुनिएगा है ना, बाकी लोग के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम सबको पता है कि वंस द बॉडी, सुनिएगा, वंस दिस बॉडी इज एट द मैक्सिमम हाइट देयर इट हैज 0 मीटर पर सेकंड स्पीड, एट द मैक्सिमम हाइट देयर इज नथिंग, नो स्पीड, द बॉडी स्टॉप देयर।
from 0 meter per second, it has to be at 10 meter per second while the particle is returning. So from 0 meter per second, it will be at a speed of 10 meter per second if it falls by the height h. मान लेते हैं कि h height नीचे गिरने के बाद h distance drop करने के बाद h distance drop करने के बाद उसमें 10 meter per second की speed आएगी. तो अभी हम लोगों ने पीछे formula क्या कहा था कि जब कोई body drop की जाती है, जब भी आप उसको drop करेंगे तो उसकी जो स्पीड होती है इट मस्ट बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. तो दिस 10 शुड बी अंडर रूट ऑफ 2g इनटू h. अब यहां से आप h कैलकुलेट करोगे कितना आएगा और वो आएगा आई थिंक 5 मीटर. दिस h विल बी 5 मीटर, यानी कि जब वो 5 मीटर ड्रॉप कर जाएगा, जब ये बॉडी 5 मीटर ड्रॉप कर जाएगी तो इसके पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी. 5 मीटर ड्रॉप करे, बट 5 मीटर कहां से ड्रॉप करेगा वो? 5 मीटर ड्रॉप कहां से करेगा? तो इट विल बी 5 मीटर फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट. अब हाईएस्ट पॉइंट कितनी हाइट पर है? मैक्सिमम हाइट कहां पर होगा? ये भी तो एक क्वेश्चन है, वेयर विल बी द मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम हाइट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ जी से. दिस इज मैक्सिमम हाइट. तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 स्क्वायर करोगे यहां पर 900, 2 टाइम्स g यानी 20. सो मैक्सिमम हाइट 45 मीटर पे है और उससे जब 5 मीटर नीचे गिरेंगे, उससे जब 5 मीटर वापस आ जाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी. यही क्वेश्चन था कि कितनी हाइट पर, एट व्हाट हाइट द स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकंड व्हेन द पार्टिकल इज रिटर्निंग टू द ग्राउंड. और अब टाइम कितना होगा अंकित? टाइम कैसे निकालेंगे? देखो टाइम, सुनो कैसे निकालोगे. देखो टाइम कैसे निकलेगा. ये टाइम जो ऊपर जाने वाला टाइम है, जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगेगा, ये टाइम आपका u बाई g होता है, u अपॉन g सेकेंड्स. तो u बाई g के हिसाब से 3 सेकेंड लगेंगे. 3 सेकेंड्स तो आपको जाने में लगेंगे, 3 सेकेंड्स जाने में लगेगा. और फिर वहां से नीचे आने में कितना लगेगा? ये जो h हाइट ड्रॉप करोगे इसमें कितना टाइम चाहिए तुमको? तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है, कि जब भी हम ड्रॉप होते हैं, जब हम ड्रॉप करते हैं तो टाइम कैलकुलेट होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, स्क्वायर रूट 2h बाय g से. तो इस क्वेश्चन में तुम 5 मीटर ड्रॉप कर रहे हो, 5 मीटर. तो अगर हम 5 मीटर ड्रॉप करेंगे तो उसके लिए टाइम होना चाहिए स्क्वायर रूट 2h इज 5 अपॉन g व्हिच इज 1 सेकंड. तो 1 सेकंड ड्रॉप करने में लगेगा और 3 सेकंड जाने का लगेगा. दैट मींस कि टोटल टाइम जो लगेगा आपको वो 4 सेकंड्स का होगा. टोटल टाइम विल बी 4 सेकंड्स. पावर सिंह टाइम कैलकुलेट करो बच्चा, टाइम में गड़बड़ हो रही है. पावर सिंह टाइम में आंसर तुम्हारा सही नहीं है, मतलब इनफैक्ट हाँ, टोटल टाइम जो लगेगा वो 4 सेकंड्स लगेंगे. बिकॉज 3 सेकंड्स को तो 3 सेकंड्स में तो बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर वहां से उसको नीचे आना है 5 मीटर. तो दोनों का सेपरेट कैलकुलेशन करो. ऊपर जाने का टाइम जो होता है वो यू बाई जी और एच हाइट ड्रॉप करने का टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी. ड्रॉप करने का टाइम अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और राइज करने का टाइम अलग कैलकुलेट किया जाता है अंडर रूट 2h बाय जी. सो टोटल टाइम इज 4 सेकंड. टोटल टाइम इज 4 सेकंड्स. नाउ वंस कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग. वंस टाइम जो होता है वो हमेशा आप फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जर्नी कैलकुलेट करते हो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ जर्नी. हाँ, वो श्रेष्ठ वो टाइम ग्राउंड से ही निकालना होता है. ये क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा, इट विल नॉट बी स्पेसिफाइड इन अ सेपरेट लैंग्वेज, सेपरेट स्टेटमेंट. टाइम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट.
वो बाय डिफॉल्ट होगा, आपको बिगिनिंग से ही बताना पड़ता है। क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो भी बिगिनिंग से बताओगे। अभी क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम लोगों को? ठीक है, डन। चलो फिर रीस्टार्ट करेंगे अभी।